हेलो दोस्तों, इस लैपटॉप में पानी चला गया है और बहुत ज़्यादा पानी चला गया है। तो हम आज इसको अब पानी को साफ़ करेंगे अच्छे से और उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम हुई। अभी पानी चला गया है इसमें, ये कंप्यूटर बिल्कुल से चल नहीं रहा। तो अभी देखो एलसीडी के यहाँ पे भी पानी अभी लगा हुआ है और चारों तरफ इसमें पानी दिख रहा है। अब इसको हम चलो ओपन करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई। जब भी आपके पास अगर ऐसा कोई लैपटॉप आए तो उसमें अगर पानी चला जाए तो उसका बैटरी आप निकाल दो और ना ही चार्जर लगाओ, प्लग लगाओ ही नहीं चार्जर का, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अभी हम फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको इसमें पानी से क्या क्या प्रॉब्लम आ गई है इस कंप्यूटर में। तो और इसको कैसे आपको साफ़ करना ये भी है इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको। बस फटाफट से इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हमें ओपन कर लेता हूँ पहले सारे स्क्रू आपको ओपन करके। जब भी आपके लैपटॉप में पानी जाए तो आप सीधा बैटरी निकाल दो। बैटरी निकालने से क्या होता है, अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं हो नहीं पाती, लेकिन इसमें बैटरी लगी हुई थी और ये ऑटोमेटिक कुछ इसमें ऑन ऑफ ऐसा कुछ कस्टमर ने किया जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई होगी। तो अभी चलो देखते हैं। अभी देखो कीबोर्ड में भी पानी है तो इसको हम कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। अब कीबोर्ड को साफ़ कर लेते हैं लेकिन कीबोर्ड के अंदर भी पानी गया होगा। अभी लैपटॉप को साफ़ करते हैं, क्लीन हो गया लैपटॉप। अब इसका पूरा ऊपर का पैनल खोलना पड़ेगा और पीछे का भी पैनल खोलना पड़ेगा। अभी देखो एलसीडी, ये इसके डीवीडी राइटर में भी पानी था। अब इसको हम साइड से यहाँ से पेचकस के थ्रू इसको खोल लेंगे। बस यहाँ पे अब इसको आप बाहर निकाल के देखते हैं इसमें कहाँ पे ज़्यादा पानी है। अगर जब भी आपके लैपटॉप में पानी चला जाए तो आप सीधा बैटरी निकाल दो, उसके बाद उसको सुखाने के बाद ही यूज करना। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, यहाँ पे देख सकते हो आप एलसीडी का जो पट्टा है, जो केबल होती है, इसमें देखो कितना ज़्यादा पानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको चमक रहा होगा, यहाँ कैमरे में दिखा रहा है, पूरा पानी से गीला है ये, जिसके वजह से एलसीडी इसकी वाइट हो गई थी, कस्टमर बता रहा था। तो अभी हम इसको फटाफट से साफ़ करेंगे अच्छे से और इसको बोर्ड को निकाल के पूरी क्लीन करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नमी रहेगी तो वो शॉर्ट सर्किट बताएगा या फिर बोर्ड में कोई कंपोनेंट जल जाएगा। तो इसलिए हम पहले सबसे पहले बोर्ड को ही क्लीन करके देखते हैं बोर्ड में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बोर्ड अगर ख़राब हो गई तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बोर्ड ख़राब होती है। तो अभी हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं ब्रश से। अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको हमको हीट भी करना पड़ेगा हीट गन से, क्योंकि बिना हीट के आप चलाओगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो साफ़ करने के बाद, पानी सुखाने के बाद आपको हीट भी हल्का करना है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हीट करना है ताकि जो नमी होती है पानी की वो निकल जाए। तो इसमें बहुत दिन से सर्विस भी नहीं हुआ था शायद लैपटॉप में, इसलिए बहुत ज़्यादा पहले से भी डस्ट है इसमें। तो अभी हम इसको हीट करेंगे यहाँ पे SMD से। आप हल्का हीयर बढ़ा के हीट गन से आप इसको हवा मार दीजिए, गर्म हवा इससे निकलती है और यहाँ से पूरा अच्छे से इसको हीट करना है आपको। अच्छे से इसको हीट कर देना है और ब्रश से हल्का मार के साफ कर देना है। अगर हमारी बोर्ड सेफ हो गई तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड हमारी बहुत महंगी आती है। और तो बोर्ड क्लीन हो चुकी है लगभग लगभग। अब इसके बाद हम थोड़ा कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा पानी चला गया था ना, तो हम कीबोर्ड को भी अब थोड़ा से साफ़ करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड में थोड़ा से हवा मार देते हैं गर्म हवा, तो अगर अंदर का जो पानी होगा वो सूख सकता है, लेकिन फिर भी कीबोर्ड। अब एलसीडी में देखेंगे, एलसीडी में भी बहुत पानी दिख रहा था, तो अभी साइड साइड से हमने कपड़े से साफ़ कर दिया। अब इसको हम अंदर देखेंगे खोल के एलसीडी में क्या प्रॉब्लम है। अगर एलसीडी में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा तब भी प्रॉब्लम हो गई होगी, एलसीडी चलेगी नहीं, क्योंकि केबल में बहुत ज़्यादा पानी था इसके तो, और केबल की वजह से एलसीडी के अंदर भी फॉल्ट आ सकता है। तो क्योंकि अगर केबल पूरी शॉर्ट हो गई होगी तो अंदर प्लेट में भी एलसीडी के फॉल्ट हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे अंदर कहाँ तक पानी है इसमें और उसको कैसे साफ़ करना है, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अभी हम इसके साइड साइड में पानी जो लगा है इसको हम साफ़ कर दे रहे हैं कपड़े से, और इसके अंदर पानी गया है लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई इसकी केबल में, क्योंकि केबल पूरी इसकी भीग चुकी थी और उसमें बहुत ज़्यादा पानी था, अभी वीडियो में आपको दिखा ही चुका हूँ।
और यहाँ पे अब इसको हम एलसीडी के पीछे देखेंगे पानी गया है कि नहीं। एलसीडी के बैक पैनल में तो से पानी नहीं दिख रहा, तो इसको हम क्लोज कर देंगे और पूरी एलसीडी हम नहीं निकालेंगे बाहर। अब इसको फिर से टाइट कर देते हैं, और अंदर पीछे पानी नहीं गया, यहीं साइड साइड में पानी था और एक एलसीडी के केबल में पानी हो गया था ज़्यादा, इसलिए एलसीडी को हमने चेक कर लेना ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो अगर पानी रहता तो बाद में स्टार्ट कर दें, थोड़ा हवा मार देंगे साइड साइड से, जो थोड़ा से नमी रहती है उड़ जाती है हवा में, थोड़ा सूख जाता है हवा से। और ये जो केबल है ये तो पूरी भीग चुकी थी, इसको हमको अब सुखाना भी पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, हल्का गर्म हवा मार देते हैं तो हल्का नमी जो रहती है उड़ जाती है। अब इसको हमने साफ़ कर लिया केबल को, और इसको अब हम अच्छे से साफ़ करके इसको फिर से फिक्स कर देंगे एलसीडी को, एलसीडी फिक्स करके, और उसके बाद इसमें हम सारे स्क्रू फिर से टाइट कर देंगे, और इसके बाद इसको कंप्यूटर पर लगा के हम चेक करेंगे। वैसे एलसीडी जो है, एलसीडी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, एलसीडी शार्ट हो गई, और नीचे का बैक पैनल मदरबोर्ड जो है पूरा, नीचे वाला पोर्शन पूरा लैपटॉप का ओके है, केवल एलसीडी में फॉल्ट आ चुका है। तो अभी हम एलसीडी चेंज कर दिए हैं दोबारा से, और एलसीडी चेंज करने के बाद लैपटॉप ओके हो गया, क्योंकि अगर बैटरी निकाल लिया जाता सही टाइम पे तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता और एलसीडी भी हमारी सेफ हो जाती। तो नीचे का पोर्शन हमारा ओके हो गया, मदरबोर्ड नीचे का पार्ट सारा कुछ ओके, एलसीडी में प्रॉब्लम आ गया क्योंकि एलसीडी केबल में बहुत ज़्यादा पानी था। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी आपके लैपटॉप में ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और उसको ऐसी तरीके से साफ़ सफाई करके आप अपना कंप्यूटर चला सकते हो, और उसको हीट ज़रूर करें आप। अगर आपके पास हीट गन नहीं हो तो उसको आप खोल के पूरा लैपटॉप आप धूप में भी सुखा सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।